उत्तर और दक्षिण के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को एक करने के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम बीते एक महीने से BHU के एम्फी थिएटर में चल रहा था और आज इसका समापन दिवस है। समापन पर मुख्य गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खास तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था 19 नवम्बर को और उसके बाद से लगातार ये जो पंडाल बना हुआ है और ये जो एम्फी थिएटर है BHU का, यहाँ पर अलग अलग तरीके से लगातार दक्षिण भारतीय जो अलग अलग ज़िलों से आए हुए कलाकार थे उन लोगों ने अपने कला का प्रदर्शन किया। उसके अलावा जो तमाम पंडाल लगे हुए हैं उन पंडालों में दक्षिण भारत से जुड़े हुए जितने भी खान पान से लेकर के क्राफ्ट से लेकर के तमाम चीज़ें थी उसका स्टॉल लगाया गया था और अब ये कार्यक्रम अपने समापन पे है, आज आखिरी दिन है। ऐसे में भारतीय भाषा परिषद के अध्यक्ष और जो इस पूरे कार्यक्रम के जो संयोजक रहे हैं या कहे कि सूत्रधार रहे हैं वो हमारे साथ है बात करने के लिए। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक महीने में जो उत्तर और दक्षिण के बीच में जो दूरियों को या एक करने की जो एक कोशिश की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुहिम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कहां तक वो पहुंचे हैं और आगे भविष्य में क्या योजनाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चमू जी, और ये बता दें कि एक महीने ये पूरा समागम चला है, इस संगम में पूरे एक महीने बनारस ने और खास करके जो बनारस के लोग हैं उन लोगों ने दक्षिण भारत की जो संस्कृति है जो समृद्ध परंपरा रही है उससे रूबरू हुए हैं, कई तरह के लोक कलाकार आए उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, क्या लगता है कितना सफल हुए जो सोच थी एक भारत श्रेष्ठ भारत की? वैसे कार्यक्रम हमारी निरीक्षा से भी अधिक सफल रहा। दक्षिण के तमिलनाडु के विशेषतः 700 कलाकार यहाँ आके जो प्रदर्शन किया और उसमें भी जो फोक आर्ट्स के कलाकार आके प्रदर्शन किया वो यहाँ के लोगों के बहुत रुचि का विषय बना और विशेषतः कलाकारों की आना तो वहाँ के कलाकार और यहाँ के कलाकार BHU के काशी के कलाकार दोनों का जो सम्मेलन हुआ रोज़ दोनों का कार्य, यहाँ के कलाकारों का भी कार्यक्रम होता था और तमिलनाडु के कलाकारों का भी कार्यक्रम होता था, ये एक अद्भुत संगम हुआ। सो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में संगम हुआ, इसी प्रकार 12 एकेडमिक सेशंस थे 12 ग्रुप के लोगों का, उसमें भी एक्सपर्ट्स वहाँ तमिलनाडु के एक्सपर्ट्स भी थे काशी के एक्सपर्ट्स भी थे, तो उसमें भी ज्ञान विज्ञान का जो आदान प्रदान हुआ उसमें दोनों क्षेत्र के लोगों का ज्ञान का आदान प्रदान हुआ। तो मुख्यतः एक महीने में यहाँ 12 एकेडमिक सेशंस हुए और 30 दिन भी कार्यक्रम हुए, लगभग 200 कला प्रदर्शन कार्यक्रम हुआ, फिर लगभग 200 विद्यालयों के छात्र यहाँ आके क्विज भाषण आदि प्रतियोगिताओं में भाग लिए और कॉलेज छात्रों के लिए भी यहाँ प्रतियोगिताएं थी और ये कार्तिक दीपम नाम का एक उत्सव भी मनाया गया, इस प्रकार बहुत से कार्यक्रम। ये कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है इस बात का अंदाजा तो हम लोगों को उसी दिन हो गया था जब प्रधानमंत्री खुद आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए औपचारिक तौर पे और समापन पे गृहमंत्री आए, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो विज़न है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो क्या इस तरह के कार्यक्रम क्या दक्षिण में देखने को मिल सकते हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम अब दक्षिण में तमिलनाडु में या किसी अन्य राज्य में जो भाषाई और जो सांस्कृतिक विरासत है उसको एक करने के लिए किया जा सकता है? जी अवश्य ही सभी क्षेत्र में सभी प्रांतों में इस प्रकार का कार्यक्रम आगे होंगे ही, क्योंकि अभी तक भाषा को तोड़ने समाज को तोड़ने के लिए उपयोग किया गया, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी भाषा को लोगों को और राज्यों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और अभी तक आप अलग हैं हम अलग हैं ऐसा सिखाया गया 200 साल तक, अभी लोग इस कार्यक्रम से समझ रहे हैं कि भाषा अलग होने से संस्कृति एक ही है, राज्य अलग होने से भी सभ्यता एक ही है, हम सब एक देश के नागरिक हैं, ये भाव
आ रहा है। यानी कि उत्तर और भारत के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो कहीं ना कहीं आप बता रहे हैं कि भाषा के रूप में है, कि भाषा से हम लोग अलग हैं लेकिन जो सांस्कृतिक मूल्य हैं वो एक हैं। इसको दूरी करने के लिए एक महीने का कार्यक्रम हुआ है, भविष्य में इस तरह के और छोटे छोटे कार्यक्रम भी हो सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे जो एक ट्विटर से लेकर के तमाम जगह हम लोग देखते हैं कि भाषा को लेकर के लड़ाई छिड़ती है, उसमें थोड़ी कहीं कमी आएगी? निश्चित रूप से ऑलरेडी अभी कमी आ रही है। तमिलनाडु में इस कार्यक्रम से बहुत प्रभाव हुआ है, तमिलनाडु में गांव-गांव तक ये विषय चला है कि काशी में तमिल की ऐसे बहुत बड़ा स्वागत हो रहा है, तो काशी के लोग बहुत चाहते हैं और यहाँ तमिल सिखाने का कॉन्वर्सेशनल तमिल क्लास भी चला, तो उसका भी बहुत प्रभाव हुआ तमिलनाडु में। अरे काशी में तमिल सीख रहे हैं, तमिल पुस्तकें बहुत यहाँ बिके हैं, बिक्री हुई। सो इस प्रकार बहुत